धनकर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्री के मामले में एक ही रास्ता था इनको कि योग्यता के आधार पर घर पर सोते हुए बच्चे को पता लगता था कि उसकी नियुक्ति हो गई है। यह बड़ा परिवर्तन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस को एग्जेम्प्लीफाई करता है। आप जैसा व्यक्ति जो प्रशासन में स्वच्छता ला सकता है, इस विभाग में आप क्या करेंगे मैं अंदाजा लगा सकता हूं। यह पखवाड़ा एक दशक के बाद बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री अविनाश गहलोत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जुझारू आदमी है, याद रखते हैं कि मैं इनसे कितनी बार मिला, कैलाश जी मिलते रहेंगे। श्री सुनील कुमार गुप्ता, सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री श्रीनिवास कत्तिकीथाला, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अपने यहां से और हमारे गांव से श्रीमती हर्षिनी कुलहरी, यहां की जिला प्रमुख, महिला शक्ति का प्रतीक। और इसी कड़ी के अंदर कितना अच्छा लग रहा है, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल झुंझुनू श्रीमती नगमा बानो। और इसी कड़ी के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी जो अपने बैच में प्रथम रही, मैं रूपा मिश्रा जी की बात कर रहा हूं, मैंने कड़ी को थोड़ा तोड़ा ताकि तीनों बालिकाओं का नाम एक साथ आ जाए। श्री राजेश कुमार यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हाँ, ये बहुत अच्छा किया, ग्रह शांति के लिए बहुत जरूरी है, धर्मपत्नी को कभी नहीं भूलना चाहिए, खास तौर से यदि अगर वो बनस्त्री विद्यापीठ से पीएचडी की हुई है तो। जब मैंने मां के नाम पेड़ लगाया, हर जगह जाता हूं लगाता हूं, यहां भी लगाया, तो मैंने तुरंत कहा ये मेरी मां के नाम भी है और इसकी सास के नाम भी है। तो इसने भी एक बार जवाब दिया कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूं, मैं खुद की मां के नाम भी पेड़ लगाती हूं, आपकी सास के नाम भी लगाती हूं। ये राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है, बहुत बड़े अभियान की शुरुआत है, स्वच्छता ही सेवा 2024। इसकी शुरुआत झुंझुनू की भूमि से हो रही है, पूरा देश अपने को आज देख रहा है। मैं मिट्टी को नमन करता हूं, और यही मिट्टी है जिसने मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना, मनोहर लाल जी कितना अच्छा संयोग है, आज विश्वकर्मा पूजा भी हम मना रहे हैं, दो संगम हो गए, और तीसरा बड़ा संगम हो गया, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जनभागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष एक दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है, स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। अब कोई चलती गाड़ी से केले का छिलका नहीं फेंकता है, अब कोई सड़क के ऊपर रद्दी फेंकते हुए चार बार सोचता है, पहले ऐसा कभी नहीं था।
स्वच्छता हमारे दैनिक शैली का अंग बन रही है और ये परिवर्तन हमें एक बहुत बड़ा आयाम भी देता है। महात्मा गांधी के उस महान सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं। जिस कार्य की शुरुआत की गई वो सब साधुवाद के पात्र हैं। स्वच्छ भारत मिशन सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम से बहुत आगे है। यह सम्मानजनक जीवन का भारत के दुनिया में एक महकती हुई सुगंध फैले उसका प्रतीक है, उसका स्रोत है। जो व्यवहार परिवर्तन के लिए आह्वान किया गया था उसके कई आयाम हो गए, सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए। परिवर्तन आर्थिक जगत में आ गया, सामाजिक व्यवहार में आ गया, हमारी दिनचर्या के अंदर काफी सुधार आ गया। स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गंदगी बीमारी की जननी है। जब गंदगी को हम दूर करते हैं और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं तभी वो सब ठीक होता है और ये स्वच्छता के माध्यम से ही होता है। ये देश में हो रहा है और इसका असर आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जब स्वच्छता की वजह से बीमारी भगती है, जो गंदगी की वजह से हमारे यहां रहती है, तो अर्थव्यवस्था भी आम आदमी की ठीक होती है। पर 140 करोड़ के देश में और शुरुआत में 130 करोड़ के देश में कोई सोच भी नहीं सकता था, दिल दहक जाता था कि हर घर में टॉयलेट, इतने विशाल देश में शौचालय हर घर में हो, यह तो कल्पना से परे है। पर 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने ठान ली, और ठान भी ऐसी ली कि आज के दिन जैसा माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया 12 करोड़ शौचालय जमीनी हकीकत है। आपने आंकड़ों से बताया कि ग्रामीण और शहरी वर्ग के अंदर ओडीएफ का स्टेटस क्या है। यह बदलाव साधारण बदलाव नहीं है, यह बदलाव हमारे देश की प्रगति में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन रहा है। इस अभियान से एक अभिशाप खत्म किया गया, माताओं बहनों के लिए अभिशाप था शौचालय न होना। ए डिग्निटी वॉज बींग कंप्रोमाइज एंड जस्ट इमेजिन एट सच जाइगेंटिक स्केल दिस मिशन हैज बीन टेकन, इट हैज बीन अकम्प्लिश्ड एंड इट इज गेटिंग नाउ वराइट फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। लोगों को कल्पना नहीं थी, अंदाजा नहीं था, उन्होंने देखा ये मात्र सफाई तक ही सीमित है, अब ये उद्योग बन गया है। वेस्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू समथिंग विच इज वेरी बेस्ट। वी आर हैविंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज स्टार्टअप्स दैट आर हेल्पिंग अस। आज मुझे सौभाग्य मिला है एक का उद्घाटन करने का। आपने बताया है मंत्री जी ने कि पूरे देश में इस प्रकार के कितने एंटरप्राइजेज चल रहे हैं जिनका आधार कचरा है। आप विचार करें कि कचरे को एक उपयोगिता में डाल दिया जाए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक देश है जिसने शुरुआत की थी कचरे के लिए, कि कचरा एक औद्योगिक व्यवस्था का भी साधन बने। वो देश आज के दिन दुनिया से कचरा आयात करता है। हमने कचरे के बारे में जो का सोचा है, जिसका निस्तारण हो रहा है, जिसको परिवर्तित किया जा रहा है, दैट इज अ ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज चेंजिंग लाइव्स ऑफ मेनी पीपल एंड इंप्रूविंग आवर अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो बताया गया है माननीय मंत्री जी ने, वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो आम आदमी के जीवन में बदलाव के बिंदु हैं, बदलाव के मानदंड हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपने भारत में जहां जनता
गांव में रहती है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 94% गांवों को उनकी ग्राम सभाओं द्वारा ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। और सुखद विषय है, वी टेक प्राइड इन इट कि 50% ने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। यू सेट अ टारगेट, यू अचीव दैट टारगेट सो सिग्निफिकेंटली। और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल पीछे नहीं है, 97.7% गांव ओडीएफ प्लस हैं एंड 65% ऑफ देम आर ओडीएफ प्लस मॉडल हैं। एंड राजस्थान की क्यों झुंझुनू जिले की बात कीजिए, लेट अस लुक एट द ग्राउंड अंडर आवर फीट वेयर वी आर टुडे। झुंझुनू में 99% गांव ओडीएफ प्लस हैं, 99% ऑफ दैट मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, 60% ऑफ देम आर ओडीएफ प्लस मॉडल। और यह सब संभव हुआ है जन भागीदारी से। यह संभव हुआ है कि जो 15 अगस्त 2014 को उद्घोष हुआ था वो जन आंदोलन बन चुका है। वो जन आंदोलन ने इतना बड़ा परिवर्तन हमारे सामने रखा है। हमारे शहर पीछे नहीं है, हमारे लगभग 30% शहरी स्थानीय निकायों को पहले ही ओडीएफ प्लस प्लस प्रमाणित किया जा चुका है, विच मीन्स ये एक ऐसी योजना है जिसमें गुणात्मक सुधार हर वर्ष आ रहा है। एंड दैट इज वेरी सूदिंग व्हेन इट कम्स टू द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपुल। निरंतरता से एक दशक में इस प्रकार का गति होना, द इंक्रीमेंटल राइज इन द मिशन परफॉर्मेंस ओवर अ डिकेड हैज स्टर्न्ड पीपल एट ग्लोबल लेवल। भारत दुनिया में इसका एक मिसाल बन गया है। आज कचरे से क्या हो रहा है, कचरे से ईंधन, कचरे से ऊर्जा। और मैंने देखा है एग्जीबिशन के अंदर कचरे से कंपोस्ट, जिसको कहते हैं ना चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। पहले तो हम कचरे के चक्र में फंसे हुए थे, अब कचरा चक्रीय अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ है। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पावर एंड फर्टिलाइजर। सरकार इस मामले में जितनी सहायता दे सकती है वो दे रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, देश के नागरिकों से अनुरोध होगा, सरकारी नीतियों का अध्ययन करें, उनका लाभ उठाएं। और ये लाभ व्यक्ति के लिए, समाज के लिए साबित होता है। एक और अच्छा कार्यक्रम आपने शुरुआत किया माननीय मंत्री जी, जैसा रिमार्केबल, क्योंकि भारतीय प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा स्टेक यदि किसी की है तो नवयुवकों की है। आवर यूथ आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। और आपको प्रसन्नता होगी कि आज का भारत उत्थान पर है, आर्थिक दृष्टि से भी, अन्यथा भी। द राइज ऑफ भारत इज अनस्टॉपेबल, द राइज इज इंक्रीमेंटल। और तभी तो यह है कि दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं, भारत इज हॉट स्पॉट, फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। इसका एक कारण आपका स्वच्छता अभियान भी है। पहले भारत की ट्रेन में जब जाते थे, 50 के दशक की बात है, लोग कहते थे ये क्या हो रहा है, इट यूज टू बी ओपन शौचालय एंड नाउ लुक वेर वी हैव कम। किसी भी परिस्थिति के अंदर आप देख लीजिए, भारत आज के दिन है वो अकल्पनीय प्रगति है, एक्सपोनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर राइज। दुनिया का कोई देश दैट इज गिविंग अस कटिंग एज। और आपने जो कार्यक्रम शुरुआत किया है, मेरा
राजस्थान झुंझुनू से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये संबोधन जो स्वच्छता ही सेवा 2024 पर अपना संबोधन दे रहे थे, इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से स्वच्छता अभियान एक क्रांतिकारी कदम बन गया है और जिस तरीके से 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घोष किया गया था, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से मानसिकता में बदलाव आया है और आज ये सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा और स्रोत बन गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जो शौचालय जो थे वो अब अभिशाप नहीं रह गए, क्योंकि अब जो है हम असम्मानजनक जीवन जीने का ये प्रतीक का एक योजना बन चुकी है। और फिर से आपको लिए चलते हैं राजस्थान झुंझुनू, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित कर रहे हैं। अब हिंदी में कहते हैं माई भारत, माई मा, माई भारत, स्वच्छ भारत, शामिल हो बिकॉज दे विल बी देन वॉरियर्स ऑफ चेंज फॉर द बेटर, चेंज फॉर द बेटर फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। स्वच्छ भारत मिशन महिला सशक्तिकरण और आजीविका सृजन का एक शक्तिशाली साधन भी बन गया है। गंदगी की मार सबसे ज्यादा अपनी माताओं बहनों पर पड़ती थी, वो तो शुरू से ही स्वच्छता के पक्ष में थी। अब बहुत अच्छा है कि पूरा समाज स्वच्छता के प्रति नतमस्तक हो रहा है। इससे एक नया ग्रुप डेवलप हुआ है। इन द कंट्री एट द मोमेंट वी हैव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इस मिशन से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। नारी शक्ति इज गेटिंग न्यू कटिंग एज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। और मेरा मन तो बहुत गदगद हो गया। हमने नाम सुना था यूनाइटेड नेशंस, बट व्हेन आई नोटिस्ड श्रीमती नीरू यादव अ सरपंच फ्रॉम लंबी अहीर ग्राम पंचायत इन झुंझुनू, सी बिकेम आवर एम्बेसडर, सी लेड द डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशंस। Her story, her journey is a saga of success and commitment to Swachh Bharat. From this platform, I invite her to visit Indian Parliament as my guest, so that the message is loud and clear to all that we have to salute them and we have to respect them. September 17 से 2 अक्टूबर, मैंने पहले भी कहा विधि की रचना अजीब होती है, विधि अपना खेल अपने तरीके से खेलती है और भारत की 5,000 साल की संस्कृति इसका द्योतक है। एक महापुरुष का जन्म 17 सितंबर को हुआ, दूसरे महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर का हुआ, दोनों के बीच में गैप भी एक पखवाड़ा रखा गया। एक के जन्मदिन के ऊपर शुरुआत हो रही है, दूसरे महानायक महापुरुष के जन्मदिन पर इसका एक तरीके से समापन होगा, बट दिस इज नेवर एंडिंग, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसलिए हम पूरे देश के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा है और माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान केंद्रित भी किया है, 3 लाख से अधिक स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों को साफ करने और बदलने का लक्ष्य रखते हैं। यू ऑलरेडी ओवर कमिट, ऐसा महारत आपने मुख्यमंत्री के काल में नौकरी देने में भी रखा था। जैसे स्वच्छता एक जटिल थी कि हम स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, शौचालय कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ये सोचना क्या व्यवहारिक है, ऐसा ख्याल लोगों के मन में 2014 में आया था। आज 12 करोड़ शौचालय हकीकत है। उसी तरीके से जब आप मुख्यमंत्री बने तो था मनोहरलाल जी क्या करेंगे, नौकरी तो पर्ची से मिलती है, नौकरी तो सिफारिश से मिलती है, नौकरी का वही साधन है। इन्होंने नौकरी में स्वच्छता लाई, नौकरी में स्वच्छता के प्रतीक बने और मेरा मन तो गदगद हो गया जब एक बच्चे ने कहा।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये कह रहे थे कि 12 करोड़ शौचालय आज जमीनी हकीकत बन गया है। स्वच्छता से सेवा 2024 पखवाड़े को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस मौके पर कहा कि किस तरीके से पिछले एक दशक में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, मानसिकता में बदलाव आया है। अब अभिशाप नहीं रह गया ये, क्योंकि महिलाओं को शौचालय के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन की लगातार सराहना करनी चाहिए और आज ये करीब करीब 10 सालों में जन आंदोलन बन चुका है और जन भागीदारी के जरिए ही लगातार ये जो योजना है सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की जो सुगंध है वो फैल रही है, इसी का प्रतीक है कि हम इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था में भी इस अभियान से सुधार आया है, परिवर्तन आया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये भी कहा कि किस तरीके से पिछले एक दशक में आज ये परिवर्तन आया कि सम्मानजनक जीवन जीने का प्रतीक और स्रोत बन चुका है स्वच्छता अभियान। 15 अगस्त 2024 को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घोष किया था स्वच्छता अभियान का, आज जब इसको 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो इस विजन के साथ पूरे हो रहे हैं कि जन जन तक ये योजना पहुंची है और आज महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने की ये प्रेरणा बन चुकी है और किस तरीके से आर्थिक सुधार भी आया है, आर्थिक व्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है और जिस तरीके से स्वच्छता अभियान सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं रह गया, स्वास्थ्य के नज़रिए से भी कई परिवर्तन आए हैं क्योंकि स्वच्छता होगी तभी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी का जो सपना था उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजन से। और उन्होंने बताया 17 सितंबर यानी कि आज के दिन से जिस तरीके से स्वच्छता ही सेवा 2024 की शुरुआत हो रही है, ये आज एक महापुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसका एक रूप से समापन ज़रूर होगा 2 अक्टूबर 2024 को, लेकिन ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहेगा। इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू में इस समय मौजूद हैं जो स्वच्छता ही सेवा 2024 पर लगातार संबोधित कर रहे हैं और लोगों से इस जन भागीदारी में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए उनको प्रेरित भी कर रहे हैं। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वच्छता ही सेवा 2024 की आज शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को ये उद्घोष किया था जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने की थी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे बढ़ाते हुए इसमें कहा कि 10 वर्ष पूरे होने पर किस तरीके से आज ये क्रांतिकारी कदम बन चुका है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है, मानसिकता में किस तरीके से बदलाव आया। और सीधा रुख करते हैं आप दिल्ली का, जहां गृह मंत्री अमित शाह प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 100 दिनों में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से और माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती विकसित भारत के पथ पर अग्रसर विशेष बुकलेट और 8 फ्लायर्स का विमोचन करें। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दें। नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथी अश्विनी जी और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को
सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने, न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता मोदी जी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज पर आपको सूचना देने के लिए बुलाई गई है। जैसा आप जानते हैं, लगातार 10 साल भारत के विकास को समर्पित, भारत की सुरक्षा को समर्पित और भारत के गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने के बाद इस आम चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को और हमारे साथी दलों को सरकार बनाने का एक जनादेश सरकार ने दिया, जनता ने दिया। इसके परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया, जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूर परिवर्तन, हमारे चीर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत को, भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते हैं। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को एक ही 10 साल में घर, शौचालय,
गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मूत अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं होगा। युवाओं के लिए ढेर सारे मौके तराशे गए हैं। आज भारत का युवा भारत के नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर विश्व के युवा के साथ दो दो हाथ करने के लिए सुसज्ज है। हमारे किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं इसके मूल विकास को और उसके संपन्नता को ध्यान में रखकर लाए गए हैं, जिसके देश के अनाज के भंडार भी भरे रहेंगे, आत्मनिर्भर होकर हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आएंगे और किसान की माली हालत भी सुधरेगी। अमृतकाल का जब वर्ष आया, मैं इसका साक्षी हूं, कई सारे सुझाव आए थे और मोदी जी ने हमेशा की तरह अपनी अनूठी स्टाइल से अमृत काल के वर्ष को इस तरह से मनाया कि जब अमृत काल का वर्ष समाप्त हुआ तो अमृत काल शुरू हुआ और 140 करोड़ लोग 2047 में महान भारत की रचना के संकल्प के साझीदार बने और भारत के विकास की यात्रा के भी साझीदार बने। एक प्रकार से 140 करोड़ की जनता को इतने महान लक्ष्य के साथ जोड़ना ये बहुत बड़े विश्वसनीयता का प्रमाण है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है। तीसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ने की योजना, ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। तो एक प्रकार से मजले, टोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी कनेक्टिविटी दी जाएगी। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनीकोई में नवी हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े हैं। बेंगलोर मेट्रो के फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस 100 दिन में आगे बढ़ाए हैं। किसानों को और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12,33,00,000 किसानों को 3,00,00,000 रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया गया है। मैं MSP पर जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। UPA सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा MSP की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी NDA सरकार ने की है। यही बताता है कि ये सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब वो न केवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनॉल उत्पाद कर पाएंगे, तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज
और बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी इस 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत, 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्ग संस्करण लागू कर दिया गया है और 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक प्रकार से 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा का सिस्टम अब तक लग चुका है। एक अनूठी योजना है जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो मुफ्त हो ही जाता है, साथ में सौर ऊर्जा के हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पीएम ई बस सेवा, एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ की सहायता से हमने पीएम ई बस सेवाओं की स्वीकृति दी है और स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे, इसके आसपास होंगे। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन देश के हर क्षेत्र में बनाने का हमने निर्णय किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पुराने ऋण का जिन्होंने सफलतापूर्वक भुगतान किया है वो सभी को इसका फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी से इससे ऋण मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। सशक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हमने की है जो 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुफ्त सहायता राशि देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने भी लगभग कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ तक पहुंचाना ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। इससे कई युवाओं को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। पीएलआई स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी तज्ञ युवाओं की नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन हमने दिया है वो भी युवाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता जूथ बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को ये 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही हैं। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था, आज वो स्वमान के साथ अपना जीवन जी दे। इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेगी, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जुड़ने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
इसके तहत 63,000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविधाओं से संपूर्ण युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3,00,000 नए पहचान पत्र एक अभियान चलाकर 100 दिन में दिए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक नए पहलुओं के साथ, नए आयामों के साथ फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का, सरल जीवन का आधार बनी हुई है। 5,00,000 तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा NDA की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। अब जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5,00,000 तक का मुफ्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो गरीब घर में 70 साल से अधिक वाले लोग हैं उनको अपने कार्ड के अलावे और 5,00,000 दिया जाएगा, तो उनका कवरेज एक प्रकार से 10,00,000 तक किया जाएगा। करीब करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगभग समाप्त कर देंगे। हमारी पूरी रिक्वायरमेंट ये 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्ष्य रखा है। नियमित टीकाकरण के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल भी यही 100 दिन में शुरू किया गया और देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है। 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिन मनाया गया है। इससे किशोरों को और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उनका हैंड होल्डिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना भी हुई। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर, गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूँ कि आने वाले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभरेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, पुराने ब्रिटिशरों ने बनाए हुए आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून इंप्लीमेंट किए गए। भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न केवल लोकभोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा, समय पर न्याय मिलने की शुरुआत होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद जब इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन समाप्त होगा, हम दुनिया में सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे। शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6,350 करोड़ रुपये की नई योजना देश में पहली बार लाई गई। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। 25 जून को संविधान हत्या दिन मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी जैसे काले दौर से देश को न गुजरना पड़े, इसलिए जागरूक करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई लगभग 4,100 करोड़ रुपया के साथ।
और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंड ट्रेच को भी शुरू कर दिया गया। मित्रों, पीएम मोदी जी का युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं को पूरी दुनिया आस के साथ नजर गड़ाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई आने वाले दिनों में, इससे हमारी कई धरोहरों को वापस लाने में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसको 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है और मैं मानता हूं कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटिगेशन के हेतु ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया है वो सब जरूरियातों को आज के दिन की पूरा करेगा और इसके लिए 12,554 करोड़ की योजना भी ये सब विशिष्ट आपदाओं के लिए निश्चित किए गए हैं। 4 सितंबर को 35 सालों के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता किया गया। मानस हेल्पलाइन नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए और सूचनाओं के लिए शुरू की गई। अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी। मित्रों, 100 दिन में इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है, उसका कारण है जब हम चुनाव में गए, राजनीतिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनिधि तो चुनाव में गए थे, परंतु मोदी जी ने चुनाव के 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीजें पड़ी है, जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त कर रखे, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। इसी का परिणाम है कि ये लगभग लाखों करोड़ों के काम 100 दिन के अंदर ही हम कैबिनेट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगह तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं। इसके कारण देश की विकास की गति न केवल बढ़ेगी, देश सुरक्षित संपन्न होगा और नई शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट कर शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकास का रथ चला है वो आगे पर भी चला रहेगा, इसका हम सभी को विश्वास है। अब आप सब इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। मैं प्रश्न लूंगा, सबसे पहले आप अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। सबसे पहले 16 नंबर। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपको आप 16 नंबर नीचे कर दो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा हिंदी के प्रति जो आपका अनुराग है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आपने कही है। लेकिन मेरा सवाल है, विकसित भारत में जो राजनीतिक विमर्श है, भाषा का जो विमर्श है, उस पर सवाल करना चाहता हूं। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस के एक सांसद जयप्रकाश जी ने कहा है कि महिलाएं अगर लिपस्टिक लगाकर और पाउडर लगाकर एक मिनट जी सर, भाई मैं रोज आपके लिए उपलब्ध हूँ, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषयांतर न हो इसके लिए मेरे आपसे सबसे विनंती है कि 100 दिन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर करिए। हाँ सर, रुचि न हो तो उत्पन्न करके भी करिए। नहीं सर, रुचि है, भाषा के विमर्श पे है। भाषा का जो विमर्श है विकसित भारत में कितना सार्थक होगा, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। जहां तक भाषा का सवाल है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानीय भाषाओं को समाप्त कर विकास नहीं कर सकता है। स्थानीय भाषाओं के साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं जुड़ी हुई, इसलिए नई शिक्षा नीति में हमने प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में हो इस पर बड़ा आग्रह किया है। और राजभाषा का जहाँ तक सवाल है, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि हिंदी का किसी स्थानीय भाषा से कोई स्पर्धा नहीं है। राजभाषा विभाग ही अब एक ऐसा पोर्टल लेकर आएगा,
किसी भी भाषण का, किसी भी लेख का, किसी भी आलेख का कुछ सेकंडों में ही संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाओं में भाषांतर कर देगा। धन्यवाद। 67 सर, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज एजेंसी से। सर, आयुष्मान भारत के बारे में मेरा ये सवाल है, अभी सरकार ने जो है 70 साल और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए को उसमें शामिल करा है, तो सर मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को भी इस योजना में शामिल किया जाए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान भारत में सर क्या लोअर और लोअर मिडिल क्लास को भी शामिल करने की योजना है? जो 70 साल के ऊपर के जितने वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की सुविधाएं देनी है, उसमें हमने आय की कोई सीमा नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति को ये फायदा मिलने वाला है, देश के सभी 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा है। तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग और उच्चतर मध्यम वर्ग और कोई लेना चाहे ना चाहे मुझे मालूम नहीं है, मगर कोई करोड़ोंपति भी लेना चाहे तो वो एंटाइटल होगा। 255 सर, मैं अमित हूँ टाइम्स ऑफ बात से। सर, एक सवाल है, 100 दिन के जो अचीवमेंट्स की बात हो रही है उसमें तमाम चीज़ें हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है, रेलवे में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही है, और कई लोग के उसको देख के कह रहे हैं कि ये सरकार में रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन जो देखा गया है किस तरह से सामने हुई, तो क्या आपको लगता है कि उसमें सेबोटेज वाली भी चीज़ हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल हादसे के जरिए? जवाब आपने ही दे दिया अमित, मैं क्या बताऊं, बताइए। मित्रों, रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील कर रही है, और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तय तक जाकर इसकी जांच करेंगे, कारण जो भी है इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी जी से लंबी बात हुई, उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हादसे अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिए जाएंगे। 107 107। सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। अभी रेलवे से ही सवाल था, लोगों के मन में एक चिंता है कि जिस तरीके से ट्रेन की पटरियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक लार्जर पैमाने पे देश को साबोटाज, क्या मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत ये है, मैं बहुत छोटा सा लूँगा कि सर, इस पर पूरा सिस्टम, मतलब विपक्ष पूरी तरीके से मौन है कि इसकी आलोचना क्यों नहीं करता, क्यों चाहता है कि देश जो है एक तरीके से गड्ढे में चला जाए? विपक्ष करे ना करे, हम बहुत सजग है। 1,10,000 किलोमीटर की रेल पटरी का नेटवर्क है, CBI, NIA, रेल पुलिस और गृह मंत्रालय चारों बड़ी शिद्दत के साथ इसके प्रोटेक्शन की हम स्कीम भी बना रहे हैं, और आगे पर कोई सैबोटेज की घटना ना हो इस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी अभी ये इस प्रकार की वृत्ति नज़र में आई है, हम इस पर कठोरता से संज्ञान भी लिया है और एक योजना लेकर भी आ रहे हैं। 93 सर, नमस्ते, मैं अखिलेश शर्मा, NDTV से। 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे कानून थे उनको बदल दिया गया, आमूलचूल परिवर्तन का ये एक प्रयास है, लेकिन अदालतों में लाखों करोड़ों केसेस लंबित हैं, लंबे समय से लंबित हैं, तो इनका ज़मीन पर कब तक असर देखने को आएगा, आम आदमी को न्याय कब तक मिल पाएगा? देखिए, समस्या साथ अर्थ में आपने जो उठाई बड़ी गंभीर है, परंतु आप तीनों कानूनों का अध्ययन करेंगे तो हमने तीनों स्तर पर, जुडिशरी के स्तर पर, प्रोसिक्यूशन के स्तर पर और इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर, 73 जगह पर समय मर्यादाओं को कर्टेल करने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाए। हमने इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक करने के लिए FSL को कंपलसरी किया है, जिससे कोई और ज्यादा साक्ष्य की जरूरत न पड़े, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही किसी को सजा दिलाई जा सके। मैं विश्वास करता हूं कि 3 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद जो भी FIR रजिस्टर होगी, इसका 1 साल में सुप्रीम कोर्ट तक केस का फाइनलाइजेशन हो जाए।
272 देख रहे हैं, एक एक आपको अवसर मिलेगा। नहीं, आपको कहा 272। हाँ, मैं सर माइक का वेट कर रही हूँ। सर, मैं विजेता सिंह हूँ द हिंदू से। सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोगों की हत्या हुई है, तो इसको लेके क्या आप मतलब वहाँ पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसको ले उसके बाद गवर्नर के घर पे कहा आपको चीफ मिनिस्टर, मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहाँ पे गवर्नर हाउस में भी काफ़ी पथराव हुआ, जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू की कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है, और पूरी 1500 किलोमीटर से ज़्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। एक नंबर दो, हमने वहाँ पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर CRPF को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर तीन, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर चार, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में दो घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई, इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है, मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है, जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। 79 सर, क्योंकि अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया, और कल सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो अफोर्डेबल कमोडिटीज़ वहाँ के लोगों को और दी जाएगी, और सेंटर्स और बनाए जाएंगे, सर इससे आम जनता को कितना फ़ायदा और कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए, वहाँ पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था, अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो बीच में घटना हुई उसके कारण ट्रांसपोर्टर भाई वहाँ से जाना मुनासिब नहीं समझते, तो हमने केंद्रीय सैनिक बलों के लिए जो हमारे राशन की दुकानें हैं, 18 दुकानें नई खुली हैं और खोलने का निर्णय किया है, और पुरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचित दाम पर सारी चीज़ें, लगभग 100 चीज़ों का लिस्ट बनाया, जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सारी चीज़ें भी है, खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्थाएँ, वो एक राहत दर पर मिलने की शुरुआत होगी। इससे निश्चित रूप से महंगाई नीचे लाने में सफलता मिलेगी, और जो गरीब तबका है उसको राहत दर पर सारी सामग्री उपलब्ध होगी। ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए खुला रहेगा। 39 39 नंबर, नीलू रंजन, दैनिक जागरण से। सर, ये जो अभी 10 साल के काम में, एक 3.5 साल से रुका हुआ काम जनगणना का, और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण शुरू होगा और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगी। मंत्री जी नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ये क्या नाम है आपका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम पार्टियां ऊंचा कर रहे हो, सवाल भूल गए। हाँ, नहीं, मैं 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जो पैसा की बात कहा है, वो पैसा जुटाने के लिए क्या कहीं से आप लोन का भी सहारा लेंगे? ना जी, ये बजट में इसका पूरा प्रोविजन कर दिया गया है। 277
सर मैं सौरभ हूँ एनआई से। सर सर से इनका जो भी कास्ट सेंसर का सर का सवाल था इसी से कंटिन्यू है सर, कास्ट सेंसर को लेकर सर कुछ है क्या सर इसमें, क्योंकि अपोजिशन काफी चीजों को जब भी सेंसर के लिए घोषणा करेंगे सभी चीजों को सार्वजनिक कर देंगे। 17 पीछे सर मैं रविकांत राय हूं टाइम्स नाउ नव भारत से। सर पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि कुछ मुस्लिम संगठन जो है मस्जिद के बाहर एक क्यूआर कोड को चिपका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन करो ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, जो वफ अमेंडमेंट बिल आप लोग लेकर आने वाले हैं जो जेपीसी के पास है वो ना आ सके। चलिए इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कर भी नहीं सकता, संसद की समिति इस पर काम देख रही है, कुछ लोगों ने संसद की समिति के में भी इसको उजागर किया है, कंप्लेंट्स की है, ऐसी मेरे पास जानकारी है, परंतु ये तो संसदीय समिति को देखना है कि एक सिर निर कैसे करना, जेन्युइन पक्ष या विपक्ष की शिकायतें हैं इसको कैसे सुनना, और जो इस तरह के मास प्रोग्राम है इसको कैसे डील करना, वो संसदीय समिति ही बहुत सक्षम है। 78 सर मैं आमोद हूँ TV9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोग की है रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। 95 हेलो सर, मेरी क्वेश्चन मणिपुर के साथ अपना परिचय दीजिए। या आई एम रीमा शर्मा, आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रतिबिंब लाइफ फ्रॉम असम। सो मेरी क्वेश्चन सर ये मणिपुर के साथ ही हैं सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकेंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी, आप कुछ प्लान है रिप्लेस करने का मणिपुर का चीफ मिनिस्टर? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। सर 44 सर दीपक रंजन PTI वीडियो सर्विसेज से, आपने 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए के परियोजना की मंजूरी की बात कही है, इसमें नक्सल प्रभावित बॉर्डर एरियाज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या खाका है? देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और हमारे आकांक्षी जिले हैं उसके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष रूप से जो मिशन लिंक वाले रोड थे इसको 100 दिन में हमने अप्रूव किया है और लगभग 6000 नए टावर कम्युनिकेशन के लिए लगाने का निर्णय किया है और 1500 स्कूलें नई खोली जाएगी, सस्ता राशन की दुकानें 378 खोलने का निर्णय किया गया है और सभी गांव जो अब नक्सल समस्या से मुक्त हुए हैं इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 योजनाओं से 100% सैचुरेशन करने का हमने निर्णय किया है। जहां तक आकांक्षी जिलों का सवाल है, आकांक्षी जिलों को देश के सामान्य जिलों के स्तर पर लाने के लिए आकांक्षी तहसील की योजना भी अब इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो आकांक्षी जिले के तहत जितनी भी तहसील है वो सभी तहसील भी अपने सभी साथी तहसीलों के साथ स्पर्धा कर आगे निकलने का प्रयास करेगी, तो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके नए लक्ष्य दिए गए हैं। मैं मानता हूं इससे आकांक्षी जिलों के विकास को एक गति मिलेगी। 190 सर अमित पांडे News18 इंडिया से हूं। सर पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया की आपने बात की, तो रोड मैप क्या है, अगले कितने समय में आप सारे जो अलगाववादी संगठन है उग्रवादी संगठन उनको आप? जहां तक पूर्वोत्तर में टेररिज्म का सवाल है, मणिपुर में जो चल रही है नस्लीय हिंसा है इसको थोड़ा अलग रखें क्योंकि नस्लीय हिंसा और टेररिज्म अलग होता है। टेररिज्म का सवाल है, हमने अब तक पूर्वोत्तर में सीमाओं के समझौते के साथ अलग अलग समझौते के 11 समझौते किए हैं और 10,900 टेररिस्टों ने हथियारी युवाओं ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अब सिर्फ एक ही टेररिस्ट संगठन बचा है, इसके साथ भी हमारी वार्ता चालू है। 10 नंबर 10
सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है कि इस सरकार में, सर संजय शर्मा हूँ इंडिया न्यूज चैनल से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है कि किसी भी तरीके से रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार पर प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, तो ये जो 100 दिन की जितने भी आपने भी जिक्र किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर सारी चीजें, आपको कितना विश्वास है कि इनसे रोजगार बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नहीं, मैं मानता हूँ लखपति दीदी भी एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं के लिए रोजगार का एवेन्यू खुलेगी। हम 4.5 करोड़ युवाओं को कौशल की दृष्टि से उन्नयन कर अप्रेंटिस की स्कीम लाए, इनसे भी रोजगार बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल पार्क ये सबसे भी रोजगार का सृजन होगा। तो हर नई पहल जो होती है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से रोजगार का सृजन करती है। मुझे लगता है अब सवाल आपके समाप्त हुए हैं, जितना कहा है उतना छापोगे तो भी एक दिन तो निकल ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां और आगे के रोडमैप को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एक बुकलेट का भी अनावरण किया और साथ ही साथ कहा कि 60 सालों में ऐसा पहली बार है जब राजनीतिक स्थिरता का माहौल है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में भारत का सम्मान बढ़ाया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उत्पादन के क्षेत्र में भारत प्रमुख केंद्र बन गया है, साथ ही साथ बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती जा रही है, विदेश नीति मजबूत हुई है और अनेक सेक्टरों के बारे में उन्होंने बताया। और साथ ही साथ मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही जल्द इसका समाधान निकाला जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।